सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर की सभी साखियाँ नीति परक हैं, जीवन हेतु कुछ न कुछ संदेश देती है। आइए साखियाँ शुरू करने से पहले हम लोग कबीर दास जी के बारे में कुछ जानते हैं। हिंदी संत कवि ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य तथा भारतीय संत कवियों में कबीर का अन्यतम स्थान तो है ही, अखिल विश्व की संत परंपरा में भी वे शीर्ष स्थानीय है। उनका अवतरण मध्य काल में हुआ था। इस काल में धार्मिक संकीर्णता, जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक उन्माद एवं सामाजिक भेदभाव, समाज में व्याप्त कुरीतियां चरम पर थीं। ऐसे ही संक्रमण काल में अद्भुत प्रतिभा, साहस एवं व्यक्तित्व लेकर कबीर का प्रादुर्भाव हुआ। कबीरदास जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। धार्मिक बाह्याचार की तरह जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था पर भी उन्होंने गंभीर चोट की। जन्म से ही मनुष्य छोटा बड़ा होता है, इसे मानने को वे कदापि तैयार न थे। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पोषण किया। कबीर दास की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है। हालांकि कबीर का काव्य शाखी सवद और रमणी के नाम से भी जाना जाता है। आइए बच्चों, अब चलते हैं हम लोग कबीरदास की साखियां की ओर। पहली साखी, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, परा रहन दो मयान। अपनी इस साखी में कबीरदास जी का मानना है कि साधु संतों की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। उनके अमूल्य ज्ञान को विनम्रता पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव किया जाता है, मयान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, उसको देखते नहीं है, उसका मोल भाव नहीं करते हैं, क्योंकि काम तो हमें तलवार से है ना, मयान का कोई काम नहीं है। मयान तो सिर्फ रखने के काम आता है। कहने का तात्पर्य, हमें सज्जन व्यक्ति के ज्ञान से लाभान्वित होना चाहिए। आइए, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। इस साखी में कबीर दास जी का मत है कि यदि हमें कोई गाली देता है और हम पलटकर उसे भी गाली दे दे, तो गालियों की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। यदि किसी के गाली देने पर हम मौन रहकर उसका उत्तर देते हैं, अर्थात कोई जवाब नहीं देते, तो गाली की संख्या एक ही रहती है, वे एक से अनेक नहीं होती। वास्तव में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि हमें किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। तीसरी साखी की ओर, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माहे, मनमा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाहे। इन पंक्तियों में कवि ने प्रभु भक्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि माला का मनका तो हाथ में फिरा रहा हो, जिह्वा मुख के अंदर और मन दसों दिशाओं की ओर भटक रहा हो, तो ऐसे में उसकी चंचलता पर अंकुश ना होने के कारण हमारी भक्ति जो है व्यर्थ चली जाती है। हमें ऐसे पाखंडवाद को छोड़कर मन को वश में करना चाहिए। मन के बारे में कवि का कहना है, मन तो दसों दिशाओं में घूम रहा है, अर्थात मनुष्य का ध्यान तो ईश्वर स्मरण में ना हो, लेकिन मनकों की माला और मुंह में जीव निरंतर चल रही है, तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ ही नहीं है। कबीर घास ना नींद लिए जो पांव
डली होई उड़ी परे जब आंखें में खरी दुहेली। कबीर दास जी का मानना है कि पौ के नीचे की घास को भी निर्बल या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसका तिनका यदि उड़कर आंख में पड़ जाए तो अत्यधिक कष्टकारक होता है, हमें दुख होता है। अर्थात समाज में निम्न वर्गीय कमजोर व निर्धन लोगों की भी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये शक्ति पा जाए तो गहरा आघात पहुंचा सकते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अपने इस साखी में कबीर दास जी का कहना है कि यदि व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है तो संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहंकार का त्याग करने से मनुष्य के स्वभाव में छल कपट नहीं रहता, उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है, और ऐसा होने से सभी उस पर कृपा भाव बनाए रखते हैं। मनुष्य को अहंकार त्यागने का संदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि जो अहंकार त्याग देता है उस पर सभी कृपा भाव बनाए रखते हैं। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।